बहुत बोलने लगे हो तुम, या फिर तुम बहुत बोलने लगे हो, बहुत चिल्लाने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत इतराने लगा है वो, गुस्से में, मजाक में या फिर ताना मारते हुए अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ जाते हैं। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है स्टार्टेड प्लस आईएनजी वर्ब। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई काम पहले तो खैर ना होता हो लेकिन अब होने लगा हो। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव या फिर हैड, उसके बाद स्टार्टेड और उसके बाद आईएनजी वर्ब और लास्ट में अलॉट। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ किया जाएगा, और अगर पास्ट की बात चल रही है तो हैड का यूज़ किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम, या फिर तुम बहुत बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। बहुत चिल्लाने लगे हो तुम, या फिर तुम बहुत चिल्लाने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट, यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, या फिर तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट, यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। बहुत इतराने लगा है वो, या फिर वो बहुत इतराने लगा है। ही हैज़ स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अलॉट, ही हैज़ स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अलॉट। बहुत गलती करने लगे हो तुम, या फिर तुम बहुत गलती करने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स अलॉट, यू हैव स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स अलॉट। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई, ये अनजाने में हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में मैंने गलत बटन दबा दिया। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है अनजाने में, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए वैसे तो कई वर्ड्स का यूज़ किया जाता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है इनएडवर्टेंटली और दूसरा है एक्सीडेंटली। आप बेधड़क होकर दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही मतलब होता है अनजाने में। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इनएडवर्टेंटली या फिर एक्सीडेंटली, जो भी आपको बोलना है, और उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म टेंस के हिसाब से कोई भी हो सकती है, जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी। आप इन दोनों को सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं, वो भी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, मतलब इसको या तो वर्ब से पहले या फिर सेंटेंस के एंड में, दोनों में से कहीं भी लगाया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक इनएडवर्टेंटली, या फिर आई मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली। ये अनजाने में हो गया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, इट इज़ डन इनएडवर्टेंटली, आई डिडंट डू इट डिलिबरेटली, या फिर इट इज़ डन एक्सीडेंटली, आई डिडंट डू इट डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। हमने इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अनजाने में मैंने गलत बटन दबा दिया, आई प्रेस्ड रॉन्ग बटन इनएडवर्टेंटली, या फिर आई प्रेस्ड रॉन्ग बटन एक्सीडेंटली। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, फॉरगिव मी इफ़ आई हैड मेड एनी मिस्टेक इनएडवर्टेंटली, या फिर फॉरगिव मी इफ़ आई हैड मेड एनी मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में भी मुझसे अब मत बोलना, डोंट स्पीक टू मी नाउ इवन इनएडवर्टेंटली, या फिर डोंट स्पीक टू मी नाउ इवन एक्सीडेंटली। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं है, उसका वो मतलब नहीं है, एक्चुअली वो कुछ और कहना चाहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद डजंट या फिर डोंट या फिर डिडंट, और उसके बाद मीन और लास्ट में दैट। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट का यूज़ किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट का यूज़ किया जाएगा, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो डिडंट का यूज़ किया जाएगा, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट। मेरा वो मतलब नहीं है, आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। उसका वो मतलब नहीं है, एक्चुअली वो कुछ और कहना चाहता है। ही डजंट मीन दैट,
एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स. ही डजेंट मीन दैट. एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स. समझने की कोशिश करो, हमारा वो मतलब नहीं था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डिडंट मीन दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डिडंट मीन दैट. मुझे पता है तुम्हारा वो मतलब नहीं था, फिर भी तुम्हें कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए था. आई नो यू डिडंट मीन दैट. इवन देन यू शुड हैव थॉट एटलीस्ट वंस. आई नो यू डिडंट मीन दैट. इवन देन यू शुड हैव थॉट एटलीस्ट वंस. सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू. वो बहुत हंसने लगा है. आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है. देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं. बेस्ट ऑफ लक. सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन टेक केयर.